दक्षिण नई दिल्ली एवं प्राथमिक पुत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा यादव जी, परिषद के महामंत्री प्रोफेसर ए.पी.एन. वाजपेयी जी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गुलाबचंद्रराव जायसवाल जी, प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक श्री नंद कुमार जी, कॉन्फ्रेंस के आयोजन सचिव एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति श्री गिरीश कुमार चौधरी जी, इस अवसर पर यहाँ उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री संजय पासवान जी, पीपीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी, एम कॉलेज के प्राचार्य एस पी शाही जी, कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य कपन कुमार कानी जी, सभी प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र एवं छात्राएं और से आए हुए ढेर सारे विद्वानगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, मंच संचालिका प्रोफेसर करोजा जी, एक नाम और खुद क्या अनिरुद्ध देश पांडे जी, देवियों और सभी बिहार के लिए बड़े गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद नई दिल्ली एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका विषय है समाज विज्ञान एवं राष्ट्रीय पुनरुत्थान। आप अवगत हैं कि बिहार शुरू से शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा, प्राचीन काल में नालंदा और विक्रमशिला के प्रमाण यह ठीक है कि आज तक शिला अफगानिस्तान में है, लेकिन मौर्य काल में गहरी मदद साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। यही वह विश्वविद्यालय था जहाँ से चाणक्य का आगमन एवं उस पाटलिपुत्र की धरती पर हुआ था। चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था, जिसने अर्थशास्त्र नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम भले अर्थशास्त्र हो, लेकिन इसमें राज्य के निर्माण से लेकर उसके संचालन और उसके कानून की सारी बातें की गई। शायद यही कारण है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यहाँ के लॉ कॉलेज का नाम चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रखा है। समाज विज्ञान से जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका सरोकार अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र से है। ये सारे विषय हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य यही है कि भले ही इन सारे विषयों की पढ़ाई हमारे हिंदुस्तान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में होती हो, लेकिन इनके दार्शनिक, इनके चिंतक, इनके विचारक एवं इनके वैज्ञानिक पश्चिम के यह सच है दार्शनिक और विचारक कह होता यह है कि हम कोई सोच नहीं करना चाहते, अपने साथियों का आलोचन नहीं करना चाहते तथा उनका अध्ययन नहीं करना चाहते। हमें इस बात को लेकर हैरानी होती है कि स्कूली स्तर पर तो नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती है, लेकिन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं होती। परिणाम यह होता है कि हमारे छात्रों में नवीनतम एवं अद्यतन जानकारी तो होती है, लेकिन चारित्रिक बल नहीं होने के कारण उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि 3 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, जिसमें लगभग 500 से अधिक सामाजिक वैज्ञानिकों का वैचारिक संगम होने वाला है, उसमें से कुछ न कुछ ठोस रूप में जरूर गंभीर बातें छन कर आएगी, जो हमें आने वाले दिनों में हमारी नई पीढ़ी के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करेगी। पुनरुत्थान का मतलब है हमारी नई पीढ़ी के लिए एक प्रकाश, जिन मूल्यों पर हम कभी स्वप्न किया करते, आज समाज विज्ञान का कोई भी विषय उठा रहे, कहीं कोई भारतीय विचारक या चिंतक नहीं मिलेगा, हमने हू बहु पश्चिम के चिंतकों को उसके सिद्धांतों के साथ अपना लिया है। आज प्लेटो और अस्तु और मार्क्स, वेबर, रसेल, कैंटी आदि विभिन्न समाज विज्ञान के विषयों में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कहीं भी कौटिल्य, अश्वघोष
आर्यभट्ट पाणिनि गांधी विनोबा भावे ज्योति बापुले एवं शंकराचार्य नहीं पढ़ाए जाते। अब यही सवाल उठता है कि देश हमारा परिवेश हमारा परिस्थितियों हमारी प्रकृति हमारी तथा लोग हमारे, लेकिन यह कैसी विगणना है कि हम बगैर इनको समझे पश्चिम के दर्शकों का अनुसरण करने में लगे हुए हैं। आज जरूरत इस बात की है कि फिर से हम अपने पौराणिक मूल्यों को खोजें, उनका शोध करें तथा अपना भारतीय वाड़मय में उनके तमाम चीज़ों को तलाश लें, जिसके लिए हमें पश्चिम के चिंतक के पास भटकना पड़ता है। हमारे विरासत में क्या मिली, जरूरत है अनुकूलन की, परिशोधन की तथा पुनरुत्थान की। मैं इस कॉन्फ्रेंस के आयोजकों एवं विद्वान प्रतिभागियों को अपने राज्य एवं अपनी सरकार की ओर से हृदय से शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे विषय पर गहन चिंतन का संकल्प लिया है जिस पर प्रायः हमारे विद्वानों की नजर नहीं जाती। हम यह नहीं कहते कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जमाने में नई पीढ़ी बिल्कुल गलत दिशा की हो जाएगी। आज विज्ञान के युग में तकनीक का बड़ा योगदान है, अद्यतन रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन तकनीक का गलत दिशा में प्रयोग बुरी बात है। इसलिए आज की पीढ़ी को नवीन एवं प्राचीन का संतुलित निर्वाह करते हुए अपने नैतिक मूल्यों की स्थापना करनी होगी, तभी हमारी शिक्षा संस्कृति विरासत एवं परंपरा कायम रहेगी और तभी हमारे धर्म दर्शन एवं मूल्यों का पुनरुत्थान होगा। आपका ये कार्यक्रम 3 दिवसीय है और आज के इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल जी को भी आना था और भी दूसरे कई लोगों को आना था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वो नहीं। आज हमारे इस प्रदेश की धरती पर जो लोग भी बाहर से आए हुए विद्वानजन हैं, हम आप सब लोगों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं और इस बात के लिए हम आपके एहसान मंद हैं। ये बताने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित करके इतने अच्छे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया है। मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत देर तक रुक करके आप सब लोगों की बात सुनूँ, आपको मेरी बात सुन ली, लेकिन मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, इसलिए मैंने परिषद के अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि भाई कार्यक्रम में आपको बोलने का कार्यक्रम आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम लेंगे। मेरी कोशिश होगी कि समापन में भी मैं आपके कार्यक्रम में आ सकूँ। एक बार पुनः आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आप सबों का स्वागत करते हुए अपनी बात खत्म करने के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यह कहते हुए कि हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो, हयात ले के चलो,